मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज आर एंड यू गाइस आर वाचिंग अजय आर्या ब्लॉग्स। और आज पहाड़ों में एक नई शुरुआत दिन की। सुबह सुबह उठा हूँ मैं अभी, सुबह सुबह का मौसम इतना मस्त, और यहाँ पे तो अभी धूप भी नहीं आई है इसमें, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा पहाड़ है, पहाड़ लगा है ना इधर पे बहुत बड़ा, ये पीछे साइड तो इधर धूप ही नहीं आ रखी है अभी यहाँ पे, तो मौसम ऐसा है जिसमें पूरा चारों ओर। कौन सा मंदिर? अच्छा यही जाना है हमको, यहाँ थोड़ा जाना। तो मैं दिखाता हूँ अभी यहाँ पे पीछे कैसा लग रहा है पूरा, इधर गाड़ियाँ खड़ी है हमारी, ऊपर देखो पूरा पहाड़ घिरा हुआ है, कितना मस्त लग रहा है। तो बोलो गाइस गुड मॉर्निंग बोलो। हाँ पहाड़ में पूजा है, सभी चाय रखी है वहाँ पे, चाय बन रही देखो पीछे, तो बस चाय बनती है पीते हैं उसे, फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी सब लोग नहा रहे हैं यहाँ पीछे, उधर पे पानी गर्म हो रहा है, और यहाँ पे देखो सब लोग लाइन से नहाने में लगे, आधे ने नहा दिया है आधे नहाते बैठे वहाँ, पापा मम्मी लोग, और यहाँ आधे उधर नहा रहे हैं, और हम दो अभी उठे हैं, इसका मुंह देखो। गुड मॉर्निंग। तो पहले चाय पी लेते हैं उसके बाद देखते हैं क्या होता है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अभी चाय वाय हमने पी ली है, और अभी देखो एक चीज दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, वो गाइस संतरे फ्रेश फ्रेश पेड़ में लगे हैं, बताओ ये देखो पूरे पेड़ में लगे हैं, है ना अच्छा लग रहा है ना, पूरे संतरे संतरे। और ये गाइस जब हम जब छोटे थे तब यहाँ आए थे ना, तो इन पेड़ों में गिर गए थे, और इन पेड़ों में इतने छोटे छोटे कांटे हैं ना ये, और इनमें हम गिर गए थे, तो जब इनमें हम गिरे ना तो मतलब पूरे एक दिन तक ऐसा करंट लगने में था, तब से हम इनको करंट वाला पेड़ कहते हैं। अब इसको पता नहीं कौन सा पेड़ कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें ऐसा करंट लगता है ना इस पेड़ में, क्या बताऊं, ऐसा झमझम झमझम झम हो जाता है पूरा, और पूरा क्या सीन है, वाह क्या सीन है। इधर देखो बाथरूम में सब नहा रहे हैं, इधर आधे इधर, उधर घर देखो कैसे हैं, एक नीचे और फिर ऊपर, और यहाँ वाला घर दिखाता हूँ, ऐसे ऊपर जाते हैं यहाँ रहने वाला होता है, और ऐसे ही घर यहाँ भी देखो, नीचे इधर रूम, और फिर यहाँ सीढ़ियों से जाके ऊपर रहने वाला, और इधर जानवर वानवर बातते हैं इस तरफ, और कल रात हम इधर सोए थे इधर। कैसे वो आते पानी वाला है यहाँ पे, ऐसे होता है हमारे तो हैंडपम्प होते हैं ना, हैंडपम्प से पानी का धारा बोलते हैं, हैंडपम्प से निकलता है हमारे उधर ऐसे पानी हैंडपम्प, और यहाँ पे टोटियां लगी है छोटी छोटी, पहले एक बार पहले नहा लेते हैं हम लोग। तो गाइज अभी हम हो गए नहा धो के एकदम रेडी, देखिए कपड़े वपड़े सब डाल दिए हैं, और जैकेट ऊपर से पहन ली, ठंडा हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा हल्के लगा, और देखो हमारा है राइडर बिल्कुल पूरा, बाइक राइडर तैयार है गाइज, एकदम वाला लुक लगाया। तो अब मंदिर का सामान भी पूरा पैक हो गया, तो अभी चलते हैं मंदिर की तरफ, देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है जाने में अभी, क्योंकि मंदिर थोड़ा दूर है, तो गाड़ी आड़ी में ले जाएंगे सामान, तो वैसे तो अभी क्या होता है देखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अब सारी तैयारी हो गई, सामान मंदिर का सारा पैक कर दिया, और हम जा रहे हैं मंदिर, तो हम लोग बाकी सब लोग पैदल आएंगे, और हम लोग कार से जाएंगे क्योंकि सामान लेके जाना है ना, तो हम लोग कार से जाएंगे, और बाकी सब लोग पैदल पैदल वहाँ से जा रहे हैं, तो मिलते हैं अभी सीधे मंदिर में गाइस आप लोगों से। तो गाइस मैं कार में नहीं गया, क्योंकि कार में अगर मैं जाता तो उधर रास्ते से जाना पड़ता, और यहाँ से हम लोग पैदल पूजा लेके जा रहे हैं, क्योंकि मुझे आप लोग को दिखाना भी है कि यहाँ से कैसे लेके जाएंगे, तो इसीलिए मैं नहीं गया वहाँ से, पवन को हमने सामान लेके कार में भेज दिया, और हम यहाँ से पैदल पैदल शॉर्ट रास्ते से जाएंगे खेत ही खेत, तो मैं आपको सब पूरा दिखाते हुए चलेंगे यहाँ से। तो अभी मिलते हैं,
गाइस अभी हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ, सभी लोग लाइन से यहाँ से रास्ते से पीछे से सभी लोग आ रहे हैं। देखो चलो 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 सभी लोग, तो गाइस देखिए बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रही है पूरा। और चल रहे और वो उधर पहुंच गए नीचे और हम लोग यहीं पे अभी। ओए रुको, तो मिलते हैं अभी थोड़ी सी आगे आधे रास्ते में। कौन सा? अच्छा गाइस देखो काफल का पेड़ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। बहुत सारे लोगों ने काफल खाए होंगे वहाँ हल्द्वानी में, बहुत सारे काफल मिलते हैं क्या कहते हैं मार्केट में। देखो मैं दिखाता हूँ पेड़, ये देखो पूरा काफल का पेड़ है पूरा। ये देखो साथ में जाएंगे ये काफल पक जाता है बोल रहे हैं अभी पहले ही ये पूरा, और इसमें छोटे छोटे लगे भी हैं शायद। ये सामने से दिखाता हूँ, ये ऐसे पत्ते हैं इसके कुछ काफल के पेड़ के। अभी आगे अब, तब तक के लिए बाय बाय। कहाँ पहुँच गए पूरे उधर यहाँ का बिल्कुल सीढ़ीदार एकदम नीचे जाने के लिए, उधर नीचे पूरे नीचे जाने हमको अभी। ये रास्ता देखो, ये लेडीज लोग के तो पता नहीं कैसे चल रहे हैं सैंडलों में, बाकी हमको तो जूते में भी चलने में प्रॉब्लम हो रही है। और पीछे से देखो जिया जी आ रहे हैं और मम्मी पापा भी आ रहे हैं मेरे। बाय ढोकलू। ये मेरे मम्मी पापा और ये मेरी नानी है, और पीछे से चाची लोग आ रहे हैं, पता नहीं पीछे ही रह गए वो तो। जल्दी आओ, क्या हो गया नहीं चल पा रहे हो क्या? ये देखो अभी यहीं है ये लोग। तो गाइस देखिए कैसा रास्ता है पूरा नीचे, ऐसे रास्ते में पूरा यहाँ से नीचे जाने। ये देखो चलो जंप करो। हमारी ढोकली देखो कैसे चल रही है। हाँ ये बहुत बढ़िया, देखो रास्ता पापा तो नीचे पहुँच गए वहाँ पूरे। ढोकली तो खुद ही चलती है क्यों? ये तट रास्ता है बाप। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे। देखो सब लोग कैसे आ रहे हैं यहाँ से, ऐसा रास्ता है क्या बताऊँ। उसका हाथ पकड़ना ना, देखो सब लोग पुल, और यहाँ पुल के नीचे से पानी कैसे बह रहा है। ये मंदिर की पहचान है, ये मंदिर दोनों तरफ की नदी। पहले पुल नहीं था जब हम छोटे थे तब ये पुल नहीं था, अभी ये पुल बन गया है। मंदिर भी हम बस पहुंचने ही वाले हैं, ये अभी हम रोड में आ गए, ये फिर मेन रोड जा रही है पीछे ये, और यहाँ साइड में आके नदी देखो पूरी। तो बस अभी मंदिर पहुँचने वाले, चलते हैं मंदिर फिर मिलते हैं। थोड़ा सा आगे वो वहाँ पे मंदिर है और सब लोग जा रहे हैं, सभी लोग चल रहे हैं। चलो चलो गाइस जल्दी, तो सब लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ, अभी चलते हैं। मामा की कार यहाँ तक पहुँच गई देखो, और बाकी सब लोग अभी आ रहे हैं इधर से पूरा। और यहाँ पे इतना सुंदर सा नदी बह रही है देखो पूरी, ये देखो गाइस पूरी नदी बह रही है यहाँ। और ये नदी यहाँ से ऐसे जाती है इधर साइड, वहाँ पे ही मंदिर है वहाँ पे। तो गाइस देखिए ये रहा मंदिर का मेन एंट्रेंस, मेन गेट है ये मंदिर का। जय हो। ये सीढ़ियाँ यहाँ से, और इधर ये विश्राम करने का है, और यहाँ से सीधे आके ये दूसरा गेट है मंदिर का यहाँ पे, और ये तीसरा गेट। जय अलाइमल देवता।
तो ये पूरा जो है अलाइमल देवता का मंदिर है, और ये एक और गेट यहाँ पे, फिर यहाँ से अंदर जाके सीधे ये एक और गेट। देखिए पहुंच गया मंदिर के अंदर, ये रहा मंदिर का। यह है मेन मंदिर, यह अलाइमल देवता का मंदिर पूरा। यहाँ पर एक राउंड मारना है, इधर पूरे मंदिर की परिक्रमा करनी है, इसे चाहे वो भगवान। ये मेन अलाइमल देवता का मंदिर, ये रहा मेन मंदिर जो है। अभी कर दिया हमने पूजा यहाँ पे, पूजा तो क्या मतलब माथा टेक दिया, अभी दर्शन हो गए, अब बाकी की आगे प्रोसेस चलती रहेगी, जो भी होगा फिर दिखाते हैं। अभी यहाँ पे एक पत्थर रखा है, जो बोलते हैं कि सच्चे मन से यहाँ आता है वही से उठा पाता है, और कोई नहीं उठा पाता। तो अभी हम करते हैं ट्राई, तीनों में से कौन कौन उठा पाता है देखते हैं। तो पहले पवन उठाएगा सबसे पहले, ठीक है, उठा के दिखा दूँगा, देखते कितने सच्चे मन से आए तू। ओ उठा दिया, चलो इतना मतलब उठा दिया, मतलब जमीन से उठना चाहिए। अब दीपक की बारी, पूरा हो कर दिया। अब रोहन, ये देखो पत्थर लग गया नीचे वाला, चल रोहन की बारी आओ। ये तो हाथ फंसा है, गलत टेक्निक यूज कर रहा है। ओह छोड़ जा, अब नाउ इट्स माय टर्न, मन से आए हैं। तो गाइस अब है अजय व्लॉगर की बारी, आराम से आ गया है मैदान पे, लग जाऊंगी जय नीचे लग। चलो वेरी नाइस, एक बार उठाएंगे सभी, सबने उठा लिया पत्थर मित्रों, सब सच्चे मन से आए मित्रों, सभी सभी का मन था यहाँ आने का, और भगवान की कृपा थी हमें यहाँ बुलाने की, तभी सभी से ये पत्थर उठा गया, सबने उठाया। लेकिन सच में भारी तो है बहुत यार, मेरे तो बहुत भारी है भाई, ये देखना उंगली दब गई मेरी गाइस, ये देखो नीचे से एक पत्थर लगा तो उंगली दबा दी यार इसने। तो गाइस अभी चलते हैं वहाँ नीचे काम करते हैं, क्योंकि अब खाना वाना बन रहा है, तो उसका उधर ही कोई है नहीं, हम लोग ही करेंगे सब लोग, तो चलते हैं, पहनते हैं जैकेट और चलते हैं। ओके बाद में मिलते हैं, बाय। पूजा पाठ हमारी हो चुकी है, अब यहाँ पे खाना बनने लग गया, मैं दिखाता हूँ खाना बन रहा है पूरा इधर। ये नाना है मेरे जो खाना बना रहे हैं यहाँ पे, ये पता नहीं क्या क्या रखा खाना बनाने में यहाँ पे, और आधे लोग इधर पे ये पूरियाँ बन रही हैं यहाँ पे, पूरियाँ बेल रहे हैं लोग, और वहाँ पे प्याज कट रहा है, देखो यहाँ कौन प्याज काट रहा है, विनोद, ये हमारे विनोद भाई प्याज काट रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी काट रहे हैं मिर्ची प्याज, सब लोग कर रहे हैं, और यहाँ पे पूरियाँ बनाने के लिए आटा, और यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं देखने से, और ये मेरे नाना जो अभी पहुंचे हैं यहाँ। सब काम ये खाना वाना बनता है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। फिर अभी वहाँ पे पूजा, अभी कथा वथा शुरू होगी वहाँ मंदिर में, अभी कथा हुई नहीं है, खाली अभी पूजा हुई है, तो अभी थोड़ी देर में वहाँ पे पंडित जी ने बोला कि थोड़ी देर में बुलाएंगे आप लोगों को, तो तब तक यहाँ पे खाने की तैयारी चल रही है, तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। देखिए अभी हम मंदिर से कहाँ आ गए, मंदिर वहाँ पीछे है, और हम यहाँ पे आए पत्थरों में इधर, और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये मंदिर कहाँ पर मतलब किस जगह पे है। देखो नदी ऐसे आ रही है, और एक इधर साइड से आ रही है, और ये दोनों आपस में मिल रहे हैं यहाँ पे,
यहाँ पे इन दोनों नदी का संगम हो रहा है, इस साइड का भी और इस साइड का भी, और उसके बीच में ये मंदिर है, ये दोनों नदी के, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से नदी आ रही है और उसके बीच में बना है मंदिर, देखो पूरा इतना अच्छा सीन है ना, एकदम मस्त। उधर से देखिए फूल है पीछे और यहाँ पे पूरा नज़ारा, वाव ऑसम। देखो वो वहाँ पे पुल भी है, नदी इधर से, देखिए अभी यहाँ पे मीट साफ हो रहा है और कुणाल और मैं यहाँ से देख रहे हैं, मैं दिखाता हूँ, मटन साफ कर रहे हैं सब लोग इधर। अभी यहाँ पार है क्या, हम पार में चढ़े, पार में चढ़े हम, अब मजा आ रहा है ना पार में चढ़ के, देखने में मजा आ रहा है। साफ होगा उसके बाद ये बनने जाएगा उधर, उसके बाद खाना पीना खाएंगे फिर चले जाएंगे घर, मतलब यहाँ फिर कल सुबह हम घर के लिए निकलेंगे, अभी तो आज तो यहीं रहना है ना। मजा आ रहा है आपको पहाड़ में, कितना अभी हम पहाड़ पहुँचते हैं। हाँ अभी अभी थोड़ा ना पहुँचे, तो ये पहाड़ ये देख लो, निशान इसके पत्थर, पत्थर ही तो है पहाड़ों में, पत्थर भी तो होते हैं। अच्छा पहाड़ों में तो पत्थर भी होते हैं ना। हाँ तो यही तो है पहाड़, हम भी पहाड़ पहुँचे अभी। तो गाइज अभी टाइम हो गया, पूरे 4 बज गए हैं पूरे के पूरे, और देखो पूरी धूप चली गई है, यहाँ पीछे छुप गई थी, और यहाँ पे मतलब खाना अभी जग के चालू हुआ है, तो हम यहाँ से पानी भर रहे हैं, देखो यहाँ पानी ऐसे भरते थे घड़े में और नदी में ऐसे पानी आ रहा है, तो उसमें से ऐसे करके पानी निकाल के हम लोग पानी भर रहे हैं, तो एकदम नेचुरल पानी, फ्रेश एकदम, तो पानी लेके आ रहा है, और अभी खाना चालू हो चुका है, वहाँ आधे लोग खा रहे हैं, बाकी उन लोग को पहले हम लोग खिलाएंगे, उसके बाद फिर हम खाएंगे। इसके हाथ में करंट वाला पेड़ चुप गया। अरे यार क्या है भाई? और देखो पीछे नजारा कितना खूबसूरत आ रहा है एकदम, इधर साइड ही धूप छुप गया, कांटा सूरज छुप गया उस तरफ। तो बस अभी खाना पीना खिलाते सब लोग को, हम लोग भी खाते हैं, उसके बाद फिर जाके घर चले जाएंगे, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। लखत गाँव के फैमिली के साथ ये जो हमारा मंदिर प्रांगण है, ये सारा सब कुछ हमारे क्या नाम हुआ नरेंद्र भाई लोग देखते हैं, चलो बाजा वगैरह जितना भी मैया या देवी देवताओं को खुश करने का जो काम होता है हमारे नरेंद्र भाई लोगों का, ये सब तो इनके साथ थोड़ा अपनी झलक भी दिखा रहा हूँ थोड़ा सा, देखते हैं इनके साथ सार मिला पाते नहीं पाते, मिलाओ फिर चलो।
पूजा पाठ सब पूरी हो गई, खाना पीना सब खा लिया और अब हम जा रहे सीधे घर की तरफ। अब चलते हैं, बहुत हो गया, मैंने जूते भी नहीं पहने अभी।